गुजरात में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सियासी हलचल मची हुई है, और ये हलचल उपचुनाव को लेकर नहीं है बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में घर घर में शराब पिया जाता है, जिस पर बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघानी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ही शराबी है, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि गुजरात में अवैध शराब बिकती है, जिस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अशोक गहलोत जी समग्र गुजरात की जनता ने दारोड़िया कीधा है, न मात्र गांधी जी पर समग्र गुजराती अपमान करूँ। गहलोत जी ने हूँ कहवा मागू छू के तमारा गुजरात में जे कांग्रेस कार्यकर्ता आगेवान है ये दारोड़िया है, ये दारू पीए थे। आ प्रकार गुजरात घोर अपमान ये कांग्रेसे करू है। हूँ गहलोत जी ने विनती करूँ छू कि तमारा सचिन पायलट ने साचवाने तमे प्रयत्न करो, गुजरात की चिंता न करो। विजयभाई शासन में इंग्लिश दारू ठेर वेचाई पर एमने इंग्लिश नहीं आवड़ती, भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है। पर एना कारण विजयभाई जी बात करवा लीधा है, तरह मैंने एम लगे कि अशोक गहलोत जी जो बात करी है ये खरेखर वहीवटतंत्र में संवेदनशीलता आए, गुजरात में कागल पर दारूबंदी बदले असरकारक दारूबंदी आए, गुजरात में युवा नशा की आग में धकेला तो अटके, गुजरात में गैरकायदेसर ड्रग्स में वेपलाव थाय है, गांजो चरस वेचाय है, लाखों करोड़ों रुपया ड्रग्स वेचाय है, एना पर रोक लागवी जो है। आना गंभीरता चिंतन करने जरूर है, एनी विजयभाई जो चिंता करे जेना गुजराती मत आपे, जेना गुजराती अमने सरकार तरीके चूंटा गया। इस पूरे मामले में दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, पर गुजरात के लोगों की क्या राय है यह भी सुनिए। हम इधर इतने साल से रह रहे हैं, करीबन 20 साल से इधर रह रहे हैं, और हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इधर सबके घर पे आना जाना रहता है, कहीं भी शराब ऐसे सबके घर पे नहीं रहता है। ये पॉलिटिशियन का सब चाल रहती है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है गुजरात में, लेकिन हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता है। घर घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है रखना, नहीं तो घर घर में ऐसा तो गुजरात में रोज दंगे होते हैं, ऐसा दारू सब बिके तो हर जगह दंगा होता है, यानी यहाँ पे दारू नहीं मिलता कहीं पे भी घर घर में। नहीं नहीं, मैं कहाँ मिलती है, हमको तो पता नहीं कहाँ मिलती है, घर घर में कहीं नहीं मिलती ऐसा, तो आप बता दीजिए कहाँ मिलती है अगर पता है तो। की जगह पे ऐसा दाग लगाना कि यहाँ पे घर घर दारू मिलता है, वो भी राजस्थान का आदमी, जहाँ पे मैंने तो खुद राजस्थान गया हुआ हूँ, जहाँ 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक दारू मिलता रहता है, खुलेआम दारू बिकता है, वो राज्य के लोग अगर हमारे पर ये आरोप लगाएंगे कि हमारे यहाँ दारू मिलता है तो वो गलत है।